हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी अभी मैं किचन में आई हूँ, चाय का बर्तन थोड़ा सा वो धुल दी हूँ और चावल मैंने साफ करा था, सुबह ही कर लिया था, तो वो चावल मैंने चावल वाले डिब्बे में भर दिया है। और कपड़े मैं समेट रही हूँ, मतलब गंदे कपड़े जो हैं सबके मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और ये जो सूती जो बोरे होते हैं कट्टे, तो ये मैं यहाँ पे बिछा देती हूँ, तो थोड़ा सा पानी मतलब आंगन में ही रह जाता है और रूम में नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक बोरा डालती हूँ, जो कि आप लोग देखते ही होंगे। और अभी मैं कपड़े भिगो रही हूँ, क्योंकि मशीन तो ठीक है दोस्तों, इस साइड मेरी लाइट जो है ख़राब हो गई है, मतलब बोर्ड में पता नहीं क्या दिक्कत हो गया है, लाइट नहीं उसमें जा रही है। तो कपड़ा मैंने भिगो दिया है और मुझे हाथों से ही धुलना पड़ेगा। और चाय मैंने सबको केवल अभी दिया है, नाश्ता भी नहीं बनाया है। और आज दिन है संडे, तो आज तो मेरा काम और भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आज के दिन मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि सब लोग घर पे ही रहते हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती है चाय नाश्ता या और खाने का। तो देख लीजिए, मैं अपना जो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल, वैसे हमारे शुद्ध हिंदी भाषा में सिंगारदानी बोलते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो ड्रेसिंग टेबल जो था वो मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अपना बेड जो है वो भी साफ़ कर दिया है। और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, जो कि हम इसको एक बार मुंबई गए थे तो मेरी बहन ऐसे ही एक फ़ोटो बनवाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये फ़ोटो करीब 4-5 साल पुराना ही होगा, कभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ये फ़ोटो। तो ये फ़ोटो मैं बनवाई हुई थी और बहुत ही अच्छा ये फ़ोटो बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चद्दर को भी डाल मतलब हटाऊंगी नहीं, आज चद्दर बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही चद्दर डाला हुआ था, तो वैसे ही चद्दर सेट कर दिया है झाड़ कर। और यहाँ पे किचन में जो है जाले भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, तो थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया है। और रूम में उतना जाला नहीं था, किचन में ज़्यादा जाले लगे हुए थे, तो मैं साफ़ कर दिया है। और ये सीढ़ियों को भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, 2-3 दिन पर जैसा गंदा होता है तैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, और साफ़ कर दिया है। और अभी मैं पोछा ये दो रूम में नहीं लगाई हुई हूँ, किचन में तो लगाया था, लेकिन फिर से मुझे किचन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पंखा भी मैंने ऊपर से साफ़ किया है और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो गया था पंखा कि धूल धूल सा मेरा चेहरा हो गया था। और मैं नहा धो कर के ये काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब तक मैं नहा धो कर के पूजा पाठ नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं चाय या पानी भी नहीं पीती हूँ। मेरा ये नियम है, चाहे जितनी भी मतलब काम हो, मैं नहा धोकर ही अपना काम ख़त्म करती हूँ। और मैं नहा धोकर के ही ये काम कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं मतलब सारा काम ख़त्म करूँ फिर चाय नाश्ता करूँ। वैसे भी मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ, जब चाय मुझे टाइम से नहीं मिलता है तो मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ। तो चाय वाय पी करके सारा काम ख़त्म करके ये सब काम मैं कर रही हूँ। अभी खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और कपड़े धुलकर मैं ले आई थी ऊपर छत पर, देख सकते हैं सारा कपड़ा मैंने डाल दिया है। और आज 2-3 दिन से धूप भी बहुत अच्छी हो रही है और आटा भी ख़त्म हो चुका था, तो लगे हाथ में आई थी ऊपर तो सोचा कि चलो अब गेहूँ भी डाल देते हैं सूखने के लिए। और ये गेहूँ मैंने धुला हुआ है, मतलब बहुत पहले ही धुल लिया था, अब इसको केवल थोड़ा सा 2-3 घंटा धूप दिखाऊंगी, ताकि इसमें जो सीड़न है, बरसात की वजह से अक्सर अनाज में सीड़ापन आ जाता है, तो धूप दिखा दूंगी तो धूप अच्छा सा हो जाएगा गेहूं आटा बनवाने के लिए। तो और दोस्तों, काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और भूख भी थोड़ा बहुत लग चुकी थी, क्योंकि 11 बज चुके थे और बच्चों को भी भूख लग चुकी थी, खाना अभी मैंने नहीं बनाया है। और ये देखिए, ये मैं चल रही हूँ बर्गर बनाने, बस अपना देसी स्टाइल में। और इसमें मैंने मटर
और प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का जो चटनी है वो सब चीज़ें मैंने मिला दिया है, सब चीज़ ऐसा दिख रहा है जो प्लेट में। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। और मटर जो मार्केट में मतलब बाहर से लेकर आया था, जो चाट वाला मटर मिलता है ना, तो वही मटर बनवा करके दीपांश लाया था, तो वही बोला था कि मम्मी ये बर्गर जैसा जो है बना दीजिए हम लोगों का देसी स्टाइल, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था दोस्तों। और ये पाव जो है रखी हुई थी, तो दीपांश बोला था कि मम्मी वही पाव जो रखी है तो उसी का बर्गर बना दो। आप लोग समझिएगा, बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा ही पसंद आती है। तो मेरा भी हुआ मन कि अच्छा चलो भूख लगी है तो थोड़ा सा ये बना करके खिला देती हूँ और ख़ुद भी एक खा लूँगी, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी। उसके बाद मैं खाना बनाती रहूँगी। तो मैंने तेल थोड़ा सा तवा पर डाल दिया था, मेरे पास बटर नहीं था, नहीं तो मैं बटर भी डालती। तो ये मैंने तेल डाल करके इस पर धीमी आंच में सेक लूँगी, और बहुत ही टेस्टी बना था सच में। और अक्सर ऐसे सब चीज़ें घर में बन जाए तो अच्छा भी रहता है, फटाफट हो भी जाता है नाश्ता के जैसा। और सुबह मैंने केवल चाय ही पिया था, बाकी कुछ भी नहीं खाया पिया था। तो बच्चों भी नहीं कुछ खाए थे, क्योंकि संडे था, तो संडे के दिन अक्सर सब लोग मतलब घाई घाई सा नहीं रहता, निश्चिंत टाइप मतलब रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सब बर्तन धुल दिया है। ये दोपहर का समय है दोस्तों, खाना पीना करने के बाद मैंने बर्तन जो है धुल दिया था, और उसके बाद मैंने जो खाना बनाया था उसका कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये शाम का 4 बज रहा है, दीदी को मैंने बुलाया था, दीदी से कहा था कि दीदी आकर के थोड़ा सा गेहूं है तो उसको साफ़ कर दीजिए, तो दीदी आई थी और मैंने साफ़ करवा लिया था, क्योंकि फेस टू फेस नहीं मिल पाई, क्योंकि आज इतना ज़्यादा काम था दोस्तों कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से मिलूं। और आज मेरी इतनी ज़्यादा कमर दुख रही है कि क्या बताऊँ, काम कर करके मेरा कमर दुख रहा है। और अभी बज गए हैं 6, ये देखिए शाम का 6 हो रहा है, और चाय मैंने बना दिया था, सब लोग पी भी चुके हैं। अब मैं दिया बत्ती मतलब जो जलाने की तैयारी करूँगी, और थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम ख़त्म करूँगी, और मैं काम करके दोस्तों मतलब दोपहर में खाना पीना कराने के बाद सो गई थी, थोड़ी देर मैं आराम करी थी, और जब शाम को जगी तो आप लोगों को बताया भी मतलब दिखाया भी कि गेहूं साफ़ करने के लिए दीदी को बुलाया था। कभी कभी दीदी जब आ जाती हैं तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, मैंने उनका नंबर लिया हुआ है, जब मुझे काम लगता है ज़रूरत पड़ती है उनकी तो मैं फ़ोन से उनको तुरंत बुला लेती हूं और आ जाती हैं। पंखे की आवाज़ आ रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। कई भाई बहन मेरे बोलते हैं कि आपके वीडियो में पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है, तो गर्मी इतना ज़्यादा होता है कि बिना पंखे की कोई भी काम करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं इतनी गर्मी में जब एडिटिंग करती हूँ, मुझे वॉइस ओवर करना होता है, तो मैं पंखा बंद करके ही मतलब वॉइस ओवर करती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा होने वाला है, कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है लेकिन अंधेरा होने वाला है दोस्तों, मतलब दिया जलाने का टाइम हो गया है, माँ का जोत जलाने का। और आज मैंने पूरा यहाँ का ऊपर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, ये सब एरिया पे बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे जो कि मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया। पूरे घर में मैंने जाला साफ़ कर लिया है, केवल बाहर वाला जो रूम है, सबसे वाला रूम, वहाँ पे मैंने जाला नहीं साफ़ किया है। वहाँ पे मैं सुबह जब जगूंगी 5 बजे तब मैं पूरा वहाँ का जाला साफ़ करूँगी। और काम है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है दोस्तों। हम हाउसवाइफ की ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, ऐसे ही काम में बीतती रहती है। जितना भी हम काम कर लें उतना कम है, चाहे जितना मतलब करें, काम हम लोगों को ऐसे निकलता रहता है, निकलता रहता है। और कभी सोचो ये काम करना है, कभी सोचो वो काम करना है, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
और आप लोगों को दिखाती भी वही हूँ जो मैं डेली अपना काम करती हूँ दोस्तों। और मेरे लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा ब्लॉग दिखाऊँ या कुछ अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, जो है वो रियलिटी है दोस्तों। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी कहानी है और यही मेरा छोटा सा परिवार है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग इसे ही एक्सेप्ट करिए, इसे ही पसंद करिए। बहुत ब्लॉगर को मैं देखती हूँ, तरह तरह की ब्लॉग बनाती रहती हैं, कभी ये सजावट का सामान दिखाती हैं, कभी वो सजावट का सामान दिखाती हैं, जो कि दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो चीज़ें वो लोग दिखाती हैं वो सब बड़ी बड़ी यूट्यूबर को मतलब मीशो ऐप से या और भी प्रोडक्ट से मिलते रहता है, तो वो सब हॉल वीडियो होता है जो कि दिखाती रहती हैं। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर दी हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे ऐसा कमेंट आया था कि आप अपने घर के लिए कुछ करती नहीं हैं ख़रीदारी या कुछ भी। तो देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हाउसवाइफ हूँ, और मैं अपने बचत से अपने मतलब अपने लिमिट से ही काम करती हूँ। जो मुझे ज़रूरत रहता है वही चीज़ें मैं मंगाती हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं लगता है वो चीज़ें मैं नहीं मंगाती हूँ, मैं आप लोगों से बता दूँ। और वो लोग जो करती हैं वो लोग होल सेल वाला मतलब होल वीडियो होता है, उनको प्रोडक्ट मिलता है कंपनी की तरफ से, तो वो लोग दिखाती हैं, प्रचार करती हैं, तभी अपना घर जो है सजाती हैं। कुछ चीज़ें उनको खुद मिल जाते हैं उसी में, कुछ उनको पैसे दे करके ले लेती हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो उनका ब्लॉग अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन मेरी मैं 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, आप लोग जानिएगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ पर कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी वाला नहीं जुड़ना चाहेगा। बड़े बड़े यूट्यूबरों से लोग जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों से प्रोडक्ट की प्रचार करवाते हैं, जो कि मुझे अभी ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को। बस वही जो मेरा डेली का काम होता है, जो डेली का रूटीन होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ताकि मैं भी कुछ लाइफ में कर पाऊँ। अगर यूट्यूब पर आई हूँ तो कुछ करने ही आई हूँ, कुछ अच्छा करके भी जाऊँगी। कभी कभी निराश भी हो जाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा, मेरे लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा, जो कि आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर होगा दोस्तों। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, और अपना 10 मिनट का समय जो मेरे लिए निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बातें बातों में मैंने 5 मिनट से ज़्यादा बातें कर ली, हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय माता दी।